आपको ये चीज दिखाने के लिए स्पेशल आज वीडियो बना रहे। ये भाइयों ने खालसा वालों का आरएमडी बनवाई जी, और इस आरएमडी बनवाने के लिए किसान में भी हिम्मत चाहिए जी। पैसे तो ज्यादा है लेकिन उनके यहाँ की सर्विस बहुत खराब है, ठीक है जी। इन्हें 2 महीने तक बड़ी समस्या आई, बहुत समस्या, बहुत। हाँ जी, और हमारे भाई पुष्पेंद्र मसूरी वालों पर थी एक आरएमडी, उन्होंने तैयार करवाई थी, उन्हें भी वही समस्या आई थी। यही बात कह दी थी ना, थारे बस की नहीं लेनी। तो पता लगा बाद में, लगा लेते हैं जावे का दे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 महीने तक चक्कर कटवा दे जी, जो डिसबैलेंस जी जी। तो प्रैक्टिस तो पूरी होगी, कोई चलाने की टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ही चला रहा, बच्चा चलाते तो मैं ही चला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक दो बात तो पलटा है मैंने। अच्छा, पलट भी दिया। 38 पे था तो जैसे ऊपर चढ़ा रहे जी जी, बड़े ट्रैक्टर की आदत है, ब्रेक ले लिए, ब्रेक लेकर जब ऊपर चढ़ा तो फट पलट गया। चोट फेट तो ना लगी? चोट फेट इतना आराम से पलटा, इतना छोटा रेक को बुला कर दो आदमी सीधा भी कर दें। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बड़ा पलट दे तो बहुत बढ़िया। दो आदमी खूब। भाइयों देखो, 70 साल से ऊपर की उम्र है, हिम्मत कर रहे जी। अभी देखो ट्रैक्टर पलट के भी सोता कर। हाँ, हाँ, कुछ नहीं, दूसरे आदमी को बुलाया यार, बिल्कुल बहुत आराम से पलटा है। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं मवी मीरा गांव में पहुंचा हूँ नईम जी के, अब मैं मकान पर आया हूँ। तो आज की वीडियो में भाइयों, हमारे इन्होंने नईम जी ने नई तो आरएमडी लेकर आए खालसा वालों की, ये भी आपको किसी किसान के पास में नहीं मिलने की जैसी इन्होंने बनवाई। और ट्रेंच विधि के टोटल कृषि यंत्र इनके पास में, छोटा ट्रैक्टर भी है। तो आज की वीडियो में भाइयों कवर करेंगे, पिछली वीडियो इनकी मैंने बनाई थी ट्रैक्टर की भी, तो कई कृषि यंत्र उस टाइम पे नहीं थे जो इन्होंने बनवाए, कई यंत्रों में बदलाव करा, कहाँ इन्हें समस्या आई, तो टोटल वीडियो में पता चलेगा अभी आपको। तो बड़ा ट्रैक्टर तो भाइयों इनके पास में स्वराज है 735 FE, और ट्रेंच की खेती के लिए इन्होंने ट्रैक्टर लिया भाइयों छोटा, महिंद्रा जीवो 225 DI, 21 HP के साथ में है, 20 HP के। और इस ट्रैक्टर के बारे में भी पता करेंगे इनसे कि 2 साल इन्हें चलाते हुए हो गए, कैसा काम कर रहा। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूं एक बार नईम जी से। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, और ठीक हो जी? हाँ जी, दुआ है साहब आप लोग। तो बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जैसे आप जीवो लेकर आए जी ट्रैक्टर, और ये 20 HP में होगा? हाँ जी, 20 में। 20 में 54 इंची की चौड़ाई पे ठीक कर रहा काम। चौड़ाई कितनी जी? 54 पे चल रहा, बिल्कुल सही, 54 में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी, 54 के, क्योंकि 38 किंच के वो है। अच्छा, अंदर हमने कर दिए इसके, हम पिछले, अच्छा पिछले 38 हो रही है चौड़ाई कर दिए, और अगले 40 हैं। अच्छा, अगले 40 है जी। तो इसमें 38 में जो है घूमने में भी थोड़ा सा फायदा हो जा। जी जी जी, तो 38 में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अगर बात करें जी ट्रैक्टर की, जैसे 20 HP का ट्रैक्टर है जी, और टोटल आप कृषि यंत्र इसके ले आए, टीलर भी लेकर आए, मिट्टी चढ़ाने का भी है इसके पीछे जुड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप चला रहे इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि छोटा लग रहा हो आपको ट्रैक्टर? ऐसा जी राहुल भाई, के इसमें पावर का तो कहीं हमें दिक्कत आई नहीं कि भाई पावर में छोटा है जी। कहीं कहीं अगर दिक्कत आवे तो कहीं स्लिप काटने वाला आवे, स्लिप काटने वाला, कहीं स्लिप काटने वाला, 4x4 अगर यो नहीं है जी जी जी, तो फिर तो करता ही नहीं काम, क्योंकि हमें कहीं हर खेत पे ऊपर चढ़ाना पड़े और 4x4 ही निकाल रहे फिर वहां से। हाँ, 2x2 तो चलने, 2x2 तो चलने का जी जी। और पावर की हमें कभी दिक्कत यो नहीं आई कि भाई इंजन बैठ रहा हो, इंजन कभी बैठ नहीं रहा। अच्छा अच्छा, जैसे आप टीलर चला रहे इससे जी, तो टीलर में हाइड्रोलिक वगैरह की कोई हाइड्रोलिक की कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इससे अलग बात अगर करा जी, जैसे डीजल के खर्च की बात करें, डीजल का खर्च भी वैसे तो नापा नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है भाई नॉर्मल सा है इसे, तो बहुत डीजल का खर्च तो इसका कम ही है, कम ही है तो सभी जगह कम जी जी। तो आप तो अभी इससे वैसे भी काम नहीं कर रहे, जैसे बुग्गी उग्गी में गोले वोले लिया? नहीं, वो दूसरा काम नहीं कोई। हाँ, दूसरा नहीं, बस अपना अपना खेती का, गोले का भी काम कुछ नहीं, हालांकि हमने बुग्गी बना रखी इसकी। हाँ जी, पर आदमी ना होने की वजह से क्या करे, एक आदमी कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी है तो इससे पीछे जी, जैसे सबसे पहले भाइयों इसी अटैचमेंट की बात कर ले। देखो, मिट्टी चढ़ाने के लिए जो कृषि यंत्र किसान लिया हुआ है जी, और फिर बेचना पड़ जा जी, है ना जी, कई बार नए नए किसान कृषि यंत्र ले आए, उसने मिट्टी सही नहीं चढ़ाई तो देना पड़ जा। तो थोड़ी सी वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे आप ये लेकर आए जी मिट्टी चढ़ाने वाला, यो कैसे खेत में काम करेगा, और एक तवे वाला भी है जैसे आपके पास में, दूसरा डॉलर रखा है ये जो आपने लिया, थोड़ा सा इसमें ही बताओ जी आप। ये पिछले साल मैं इसे लाया था जी, तो मैंने ट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे, के भाई ये जो डिक्स वाले हैं, हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा शायद काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने जो महसूस करा उसे भी चलाया, हाँ जी, और इसे भी चलाना जी। वो पहले प्लान में शुरू के तो उसमें तो है वो काम करेगा बड़ा। अच्छा, ये तवे वाला करेगा? तवे वाला पहली बार में जब है, जब प्लान है ठीक, तो है ये करेगा, बहुत अच्छी मिट्टी फेंकेगा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं करता। अच्छा, उसके बाद नहीं करने का? ये तो हर बार करेगा, इसे तो 2 बार चला लो, 3 बार चला लो, 4 बार, ये हर बार करेगा, हर बार करेगा, थोड़ा सा वेट रखो। हाँ जी जी, और फाली बढ़ा दो हो जाओगा। अच्छा, इसमें एक समस्या आवे जैसे जी, कुछ इसमें वेट वगैरह रखना पड़ेगा? हाँ, वेट रखना पड़ेगा। अगर आप जुतावा खेत है हाँ जी, तो वेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ट्रैक्टर को तो जी खैचाई में
फोर व्हील में खींचता होगा टूटा नहीं, नहीं फोर में खिंचवाना भी फोर में पड़ा बिल्कुल अगर फोर में नहीं रखते हम जी जी कभी कभी हो जा हाँ जी तो फिर वो डिसबैलेंस हो जा। अच्छा अच्छा अगले पहिए जो डिसबैलेंस है जी जी तो प्रैक्टिस तो पूरी होगी कोई चलाने की तो मैं ही चला रहा बच्चा चलाते तो मैं ही चला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही एक दो बार तो पलटा ऐसे मैंने अच्छा पलट भी दिया 38 पे था तो जैसे ऊपर चढ़ा रहे बड़े ट्रैक्टर की आदत है ब्रेक ले लिए ब्रेक लेकर जब ऊपर चढ़ा तो फट पलट गया चोट फेट तो ना लगी ना चोट फेट इतना आराम से पलटे इतना छोटा रेक को बुला कर दो आदमी सीधा भी कर दें अच्छा अच्छा कोई नहीं बड़ा पलट दे तो बहुत बढ़िया दो आदमी खूब तो भाइयों देखो 70 साल से ऊपर की उम्र है हिम्मत कर रहे जी अभी देखो ट्रैक्टर पलट के भी सोता कर हाँ, कुछ नहीं दूसरे आदमी को बुला यार बिल्कुल बहुत आराम से पलटा जी। तो ये कहाँ से लेकर आए थे आप ये तो मित्तल वालों का अच्छा मित्तल वालों का तो भाइयों देखो ये मित्तल वालों का इन्होंने लिया और जैसा बड़े गन्ने की मैंने वीडियो बनाई इनकी उसमें जो इन्होंने मिट्टी चढ़ाई उस पर बहुत बढ़िया काम करा जी। और जैसा कि आपको बता दूं मैं शुरू की बार में जो फ्रेश खेत में मिट्टी चढ़ानी तो उसमें जो है ये कामयाब है तवे वाला कामयाब है जी ये मिट्टी में इसमें फेंक दे ये फेंकता नहीं ना अच्छा ये तो फेंकता नहीं ये फेंक दे हैरो वाला हाँ जी तो ये अपने यहाँ से दुराड़े से लिया जी अपने हाँ जी हाँ जी ये देख लो भाइयों ये इन्होंने मिट्टी चढ़ाने वाला दिया इसमें भी इन्होंने ये पंखड़ी आगे की बड़ी दे रखी हाँ, थोड़ी बड़ी है हाँ, ये बिल्कुल बीच में छोड़ता ही नहीं है ये पंखड़ी जितनी ये ऊपर ये बीच वाली डोली का समाधान होगा नहीं बीच वाली डोली में छोड़ता ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये देखो भाइयों इसमें इन्होंने पंखड़ी से बड़ी है टाइट है जो खुरपा बड़ा हाँ जी और उसके बाद में डिस्क ये कितने का आया था जी ये तो ज्यादा महंगा नहीं है 13,000 रूपए 13,000 रूपए का और वो मित्तल वाला कितने का जी वो 17,000 का जी। और भाइयों शक्तिमान का रोटावेटर लेकर आए ये रोटावेटर है भाइयों 3 फुटा है ना जी 12 दूनी 24 साढ़े तीन फुटा अच्छा अच्छा 39 इंची है जी हाँ जी और 3.5 फुटा इसकी कटाई है ये जो बाहर के है ये अलग है तो 42 इंची हाँ जी हाँ जी ये मैंने अंदर करना चाहे जी जी थोड़ा अंदर होता तो रोटावेटर कितना चौड़ाई का लेना चाहिए किसान को जैसे बस चौड़ाई की बात है मैं तो फिर भी क्योंकि इसे पछता रहा था लेकिन इतना ही लेना चाहिए वरना फिर साइड छोड़ दे 3 फुटा अच्छा अच्छा 3 फुटे में फिर दो दो फेरे करने पड़ेंगे दोबारा कहीं ना कहीं लेने के लिए यो बिल्कुल 54 इंच अच्छा इसमें एक फायदा तो हो जाएगा जी जैसे आप 48 पे या 50 पे बो रहे तो 3 फुटा उसमें चल जाएगा उसमें चल जाएगा हाँ अब छोटे का तो यो है दो फेरे काट लो लेकिन बड़े को कैसे चलाओगे इसमें 54 से नीचे नहीं चलने का बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे हिसाब से तो रोटावेटर किसी का और कभी काम करना पड़ जाए छोटा ही ले 3 फुटा फिर 3 फुटा ही ले 3 फुटे में एक बात है 51 पे भी ले आओ फिर बिल्कुल बिल्कुल 51 इंच पे चल जाएगा ट्रैक्टर तो चल जाएगा 51 पे हाँ जी रूटर नहीं चलता बिल्कुल बिल्कुल तो भाइयों देखो मैं रोटावेटर के बारे में तो देखो यही सलाह दूंगा मासिकों का रोटावेटर भी अच्छा उसमें 3 फीटे की कोशिश करे सभी भाई क्योंकि ज्यादा चौड़ाई पे उत्पादन घटता है सबके काम किराए का काम है हाँ जी तो सबका वो कर दे। और ये भाइयों देखो इन्होंने अपने यही तैयार कर लिया हमारा टीलर था उसे कटवा के हमने ये कटवा के इन्होंने तैयार कर लिया बाकी कुछ किसानों ने ये स्प्रिंग वाला बनवा रखा बहुत बढ़िया काम करा है तो इस पे ये आप क्या कह रहे हैं कि मित्तल वालों से खाद वाली खाद पे वो लगवा टंकी लगवा टंकी लगवा के लाऊंगे जी तो ये अपने घर पे बना लिया इन्होंने बाकी का ये इनका टीलर हो गया देख लो ये तो खतौली का ही होगा जी ये तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो चलाते नहीं जी जी और भाइयों देखो ट्रेंच विधि की गन्ने की ट्रोली भरी खड़ी देख लो कोई देख कर नुखा होगा गांडे 30 क्विंटल होंगे ये देख लो जी डालो तक ट्रोली आ जाए है जी 44 क्विंटल गन्ने जी ये देख लो कमाल भाइयों मील में भी अलग पता चल जा कि ट्रोली ट्रेंच विधि की है किसान है ये इससे आगे भाइयों ये मित्तल वालों का ही ट्रेंचर लेकर आए थे पिछले साल ये देख लो भाइयों इसमें भी कई ऑप्शन दे रखे इन्होंने बेड बनाना हो उसके लिए भी नहीं पीछे पत्ती दे रखी और इससे जो है कुछ किसान जो है जो 48 इंची बोरे इसी के द्वारा मिट्टी भी चढ़ जा खोड़ भी निकल जा और ट्रेंच विधि खेती के लिए सबसे जरूरी बेस जो है ये ट्रेंचर का ही है और ये ट्रेंचर भी पूरे हैवी फ्रेम में बनवाया था इन्होंने ये देख लो जी तो ये भी मुझे लगा 34,000 रुपये का आया था लगभग जब हाँ काफी टाइम काफी हाँ जी 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 और भाइयों एक चीज छूट गई थी इस ट्रैक्टर के साथ में ये घंटे कितने चल गया जी घंटे करीब 400 के आसपास चल गया जी अच्छा 400 घंटे करीब चल गया काम बहुत चल करा इसमें हाँ 490 घंटे चल गया जी हाँ जी 490 घंटे ट्रैक्टर चल गया जी और ये जो आप बड़े गन्ने में मिट्टी चढ़ाई देखो ये अपना देसी जुगाड़ बनाया इन्होंने ये दो आप डंडे देख रहे होंगे बांस की ये लगाई जो गन्ना तीछा हो रहा था उसे आसानी से इन्होंने उठा लिया जो वीडियो में आपको बता रहे थे ये देख लो जो गन्ना यहाँ आकर लग गया हाँ जी फिर वो अड़ता नहीं इसमें नहीं पहले अड़ा था हाँ तो इसमें ना अड़के इस पे रपटता चला जा अच्छा इस पर रपटता चला जा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक उठने के बाद में हाँ वो पहिए नीचे नहीं आने का हाँ नीचे नहीं आने का हाँ बिल्कुल मिट्टी वाला मिट्टी भी आ जा फिर बराबर में बिल्कुल बिल्कुल तो ट्रैक्टर से तो पूरी तरह संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट बिल्कुल बिल्कुल तो भाइयों देख लो जी थोड़ा सा सोंज का
रख रखाव के लिए आदमी की कमी है और अकेलापन है थोड़ा सा, तो इस वजह से अब आगे आ जाओ भाई। और रूटर वेटर हो गया इनके पास में शक्तिमान का, ये 6 फुट है जी, ये 6 फुट। हाँ, स्वराज पे बढ़िया चल रहा जी? हाँ जी बढ़िया। स्वराज कौन सा मॉडल है जी? 735 है, 2005 मॉडल। अच्छा, ये भी जानदार है जी ट्रैक्टर? हाँ जी। और जो हमारा तो ये चला है कितना है के? बहुत बहुत कम चला हुआ, क्योंकि हमारा तो गन्ने डालने का काम ज्यादा है। अच्छा अच्छा, कम चला जी? हाँ, 4800 घंटे चला। अच्छा, 4800 घंटे। मॉडल कौन सा बताया? 2005 मॉडल है। किलोस्कर का इंजन है? हाँ, किलोस्कर का है, तो जानदार है। 6 फुटे को तो पूरा तगड़ा चलाता होगा। ये देखो भाई, इनका राउंड ज्यादा हो ना। हाँ, राउंड ज्यादा, 220 से कम तो राउंड होते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, के चक्कर 1000 है। 1000 है इसके के? तो इसके चक्कर नहीं होते, 220 से कम तो होते ही होते नहीं। बिल्कुल, यानी दूसरे जो चला रहे 500 वाली पुली पे, तो वो तो जो 180 170 190 ऐसे चला रहे। चलो जी, तो भाइयों इससे आगे दिखा दूंगा आपको। ये चीज दिखाने के लिए स्पेशल आज वीडियो बना रहे ये भाइयों ने खालसा वालों का RMD बनवाई जी। और इस RMD बनवाने के लिए किसान में भी हिम्मत चाहिए जी। पैसे तो ज्यादा है लेकिन उनके यहाँ की सर्विस बहुत खराब है, ठीक है जी। इन्हें 2 महीने तक बड़ी समस्या आई, बहुत समस्या, बहुत। हाँ जी, और हमारे भाई पुष्पेंद्र मसूरी वालों पर थी एक RMD, उन्होंने तैयार करवाई थी, उन्हें भी वही समस्या आई थी। यही बात कह दी थी ना, थारे बस की नहीं लेनी। तो पता लगा बाद में, लगा लेते जावे एक दे है। हाँ बिल्कुल, 2 महीने तक चक्कर कटवा दे जी जी जी, और पैसे भी दे दिए पूरा का पूरा, चेक एक खाली चेक दे दिया, गुस्सा में भर ले भाई मुझे दे दे। लेकिन एक चीज है जी, आप अड़ गए कि इसमें क्वालिटी है। हाँ, ना जी, क्वालिटी है भाई। देखो यानी और भी RMD है तो कहीं से भी लेकर आ जाते हैं आप। लेकिन एक मन में थी कि भाई लेनी तो खालसा वालों की लेनी, फिर बाद में आके रोबिता भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जी आपको क्या खास चीज अलग लगी वो बताओ थोड़ी। सारा हैवी वो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका वजन भी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, वजन भी ज्यादा है। देख लो आप, जो जिसमें ये उर्वरक डालने का मामला वो सब उससे। अच्छा, एक तो खाद डालने वाला देखो अलग से लगा दिया, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, अलग से लग रहा, वो नहीं कि पहिया रगड़ के चलेगा और उससे गेयरबॉक्स चलेगा। ये बहुत बढ़िया इन्होंने सिस्टम दिया इसमें। और अगर भाइयों ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी बिल्कुल अलग, ब्लेड भी स्टील का है। ये देख लो जी, गजब का है जी, बहुत बहुत अच्छा है। इसमें लोड नहीं है, कटर बहुत अच्छा है। अच्छा, कटर बढ़िया चले जी, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। इसका जो है घेरा, इसकी जो इसकी परिधि कहेंगे क्या, यो भी बहुत चौड़ा। अच्छा, इतना नहीं है और गोलाई ज्यादा है, गोलाई बहुत ज्यादा है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, एक तो इसमें फर्टिलाइजर डालने में आसानी हो जाएगी आपको। तो ये देख लो भाइयों, यहाँ से आगे मैं दिखा दूँ एक बार, बहुत ही हैवी फ्रेम में बनाई गई है और डॉलर वॉलर लगा कर बिल्कुल कंप्लीट करके बनाया बढ़िया तरीके से। और इससे आगे भाइयों, ये इनका डॉलर हो गया, ये तो पहले ट्रैक्टर के है। हाँ जी, हाँ जी, ये हंस वालों का था। और भाइयों ये ऑल्टरनेटर है इनके पास में, ये बिक्री के लिए है, ठीक है जी। 2 कृषि यंत्र तो इनके पहले थे, बिक्री के लिए चले गए। और अगर कोई इच्छुक किसान हो, ये स्प्रे टैंक इन्होंने अपना देसी तरीके से बना रखा, इसमें लोहे का टैंक है ऊपर। और पंप जो कौन सा बता रहे जी? SP का पंप है इसमें, ठीक है जी। तो ऑल्टरनेटर कितने के वी का जी? यो तो बड़ा ऑल्टरनेटर 35 किलोवाट का। 35 किलोवाट का जी। तो भाई ये 2 चीज बिक्री के लिए है, मैं इनका नंबर दूंगा वीडियो में, जिस भाई को इच्छुक भाई फोन करे, बाकी का परेशान ना करे। बाकी मैंने RMD आपको दिखा दी इनकी, और टोटल कृषि यंत्र वीडियो में कवर कर दिए। बाकी का सामने हिंच वाली बुग्गी होगी, देख लो। और हमारे ठेकेदार है, इनका भी थोड़ा सा कर दो, मैं थोड़ा सा। ये इनका, ये ठेकेदार है जी, छुलाई के लिए लखीमपुर खरीदार है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों गन्ना छुलाई के लिए अब इनके पास में ठेकेदार आए लखीमपुर के। इधर सुरेश है, मुकेश है, ये सतीश है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे लड़के। हाँ जी, और आने वाले टाइम में भी हमें बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये भी खुश है हमसे और हम भी खुश है इनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। और जो हमारे किसान भाई है, मैं एक बार नंबर और ले लूँ इनसे, नंबर बता दे जी। 2 सामान के इनका 9917 जी 360 554, ठीक है जी। ये भाइयों नंबर दे दिया मैंने, जिस भाई को लेना हो स्प्रे मशीन या ऑल्टरनेटर ये रखा इनका, तो वो संपर्क कर लियो। नमस्कार।